नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 इस बार भी अपने दमदार कंसेप्ट को लेकर दर्शकों के बीच लोकप्रिय शो बनता जा रहा है। इस बार शो में दो पीछे ने दस्तक दी, जो कि फाउंडर है क्रेव राजा कंपनी के, जो कि एक फास्ट फूड कंपनी है। वहीं शो में आए दोनों पीछे को शार्क ने उनके बारे में पूछा कि वो क्या करते हैं और फिल्म बिजनेस के बारे में जानकारी ली। वहीं पीछे ने अपने बिजनेस के बारे में और अपने सेविंग के बारे में बताते हुए कहा, साल 2020 से अब तक उन लोगों ने 4.1 करोड़ की सेविंग की है। वहीं लास्ट महीने के सेल के बारे में पूछने पर पीचो ने बताया कि वो लास्ट महीने 19.5 लाख का बिजनेस किया था और इस बार 3.25 करोड़ करने की बात कही। वहीं अपने परसेंटेज और सेल के बारे में पूछे जाने पर पीचो ने पूरी बातों की जानकारी शार्क को काफी अच्छी तरह और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए दी। इसके साथ ही पीचो ने अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के बारे में भी शार्क को इंडिविजुअली बताया, साथ ही अपने प्रोडक्ट को शार्क को टेस्ट भी कराया, जिसकी तारीफ सभी शार्क ने की। इसके बाद इस डील से अमन आउट हो गए, पीयूष भी इस डील से बाहर हो गए। इसके बाद नमिता भी डील से बाहर हो गई और अनुपम ने भी डील में दिलचस्पी ना दिखाते हुए खुद को बाहर कर लिया। दरअसल जिस तरीके से पीचर ने अपने बिजनेस के बारे में, सेल के बारे में और आगे जाने की बात कही, उससे शार्क सहमत नहीं नजर आए। वहीं बाद में अमित जैन ने भी पीचर को डील देने से मना कर दिया। इस तरह से इस बार इन पीचर्स को खाली हाथ शो से वापस जाना पड़ा। वैसे इस तरह के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 और ट्रेंड फ्रीक। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।